चुनाव प्रचार पर जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो लगातार आपको बता दें, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ है, विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी उन पर हमलावर है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का जातिगत जनगणना को लेकर, सुनिए। कोई चंद लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते। ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा, और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते नहीं, ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा, हमारा नौकरी हमारा हक। देखिए, ये 1,00,000 नौकरी खाली है, तो 1,00,000 नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे। 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है, उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे।